दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस के बारे में, जो कि एमिली डिकिंसन द्वारा लिखा गया है। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोएट थी जो कि एक बेहतरीन पोएट थी। इस पोएम के बारे में आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई नेवर लॉस्ट एज मच बट ट्वाइस एंड दैट वॉज इन द शॉर्ट ट्वाइस हैव आई स्टूड अ बेगर बिफोर द डोर ऑफ गॉड एंजल्स ट्वाइस डिसेंडिंग रिमबर्स माई स्टोर बगलर बैंकर फादर आई एम पुअर वंस मोर। दोस्तों आइए इस पोएम के एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। इस पोएम में एमिली डिकिंसन ने अपने दो मूलभूत नुकसानों की बात की है। दोस्तों इस पोएम में वो दो मूलभूत नुकसान इनके दो मित्र हैं, बेंजामिन न्यूटन और लियोनार्ड हम्फ्रे। दोस्तों इन दोनों दोस्तों की मृत्यु काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और वो भगवान के दरवाजे पे एक भिखारी के रूप में जाती हैं और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आप हमारे दोनों मित्रों को फिर से वापस कर दें, इस धरती पे फिर से वापस लाएं। लेकिन फिर वो भगवान से वापस करने की विनती भी करती हैं और फिर बगला बैंक ऑफ फादर भी बोलती है भगवान को, क्योंकि भगवान ही वो है जो कि इस दुनिया में सारी चीज़ें देता है और भगवान ही वो है जो कि यहाँ से सारी चीज़ें ले लेता है। दोस्तों यहाँ पे फिर लास्ट लाइन में वो बोलते हैं आई एम पुअर वंस मोर। यहाँ पे उन्हें ऐसा महसूस हो जाता है कि शायद यहाँ पे अब वो दोनों लोगों का आना असंभव है, इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं। दोस्तों इस पोएम के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हमें इसके राइमिंग स्कीम की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ए बी सी बी का राइमिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक बेहतरीन राइमिंग पैटर्न होता है। ठीक है, पहले स्टेंजे में भी ए बी सी बी का राइमिंग पैटर्न है और दूसरे स्टेंजे में भी ए बी सी बी का राइमिंग पैटर्न यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। दोस्तों धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट पोएम के साथ दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।